क्रोएशियन टॉप डिवीजन क्लब एचएनके सिबेनिक के साथ डील होने के बाद इंडिया के सेंटर बैक संजय जिंगम अपना यूरोप में खेलने का सपना साकार करने वाले हैं। कुछ समय से ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इस सेंटर बैक ने क्रोएशियन क्लब के साथ 1 ईयर का डील साइन कर लिया है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट वेनेसडे 18 अगस्त को एचएनके सिबेनिक द्वारा कर दिया गया। लास्ट वीक जिंगम के रिप्रेजेंटेटिव अनुल किचलू ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बताया था कि संजय जिंगम का एचएनके सिबेनिक के साथ डील हो चुका है और जल्दी वो क्रोएशिया के लिए लाए जाएंगे और संजय जिंगम इस संडे को क्रोएशिया पहुंच भी गए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और यू आर वॉचिंग फुटी ऑल। अगर फुटबॉल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 28 ईयर ओल्ड जिंगम ने एटीके मोहनबगान को पिछले सीजन 5 साल के करार पर साइन किया था, पर इस कंडीशन पे कि अगर कोई फॉरेन क्लब उन्हें अप्रोच करता है तो उन्हें जाने दिया जाएगा। इसलिए इस साल जब क्रोएशियन क्लब ने ऑफर सेंड किया तो जिंगम को ये ऑफर अच्छा लगा और वो इस ऑफर को मना नहीं कर सके। संदेश पिछले कुछ समय से फॉरेन क्लब में खेलना चाहते थे और इस सीजन उनका यह सपना साकार होने वाला है। 2019 में उन्हें इंजरी हो गई जिसके कारण उनके ऊपर किसी क्लब ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और लास्ट सीजन पेंडेमिक के कारण उनके एम्बिशन को पूरा होने में देरी हो गई। और उनके रिप्रेजेंटेटिव अनुज ने यह भी बताया कि इस साल 4 अलग अलग क्लब से ऑफर आए थे और विभिन्न प्रकार के लीग और ऑफर पर कंसीडर करने के बाद लास्ट में यह डिसाइड हुआ कि एचएनके सिबेनिक के ऑफर जिंगम के लिए बेस्ट रहेगा और इस क्रोएशियन क्लब को ज्वाइन करने का डिसाइड हुआ। अगर संजय जिंगम के पास्ट के बारे में बात करें तो 2011-12 में अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने यूनाइटेड सिक्किम के साथ की थी। इस पंजाब के प्लेयर ने काफी लंबा सफर तय किया है। इनिशियल डेज में कोलकाता के ईस्ट बंगाल द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद उन्होंने यूनाइटेड सिक्किम को ज्वाइन किया और 2014 में ISL के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी हो रहे थे और इस साल 2021 में वो इंडियन प्लेयर ऑफ ईयर का भी खिताब दिया जा चुका है। एटीके मोहनबगान को ज्वाइन करने से पहले केला ब्लास्टर को 6 ईयर तक रिप्रेजेंट किया और वहां के वो फैन फेवरेट बने रहे, लेकिन पिछले सीजन केला ब्लास्टर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी और वो संदेश जिंगम की सैलरी में कटौती करना चाहते थे, जिसके कारण संदेश जिंगम ने क्लब को छोड़ दिया और उस मौके का फायदा उठाते हुए एटीके मोहनबगान ने उन्हें साइन कर लिया। संदेश जिंगम इस समय देश के सबसे भरोसेमंद सेंटर बैक है और उन्होंने सीनियर इंडियन टीम के लिए डेब्यू 2015 में किया था। उससे पहले वो अंडर-23 टीम के भी पार्ट रह चुके थे। 2019 में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए वो चोटिल हो गए जिसके कारण उन्हें 1 ईयर बाहर होना पड़ा था और लास्ट सीजन नवंबर में उन्होंने एटीके मोहनबगान में वापसी की और टीडी के साथ एक अजीब जोड़ी बनाई जिसके कारण मरीनर्स एक बार फिर फाइनल तक का सफर तय किए, लेकिन लास्ट सीजन में उनके अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। उनके बारे में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच इगोर एस्टिमेट ने कहा था कि संदेश इस वक्त 2 साल पहले की तुलना में दोगुना बेहतर हो गए हैं। वो एशिया के सबसे अच्छे डिफेंसिव सेंटर बैक्स में से एक हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने पासिंग स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं जो कि एशिया में उन्हें सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। अब एचएनके सिबेनिक की बात करें तो एचएनके सिबेनिक क्रोएशिया का टॉप डिविजन फुटबॉल क्लब है। 1932 में वर्कर्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने सिबेनिक क्लब की स्थापना की थी। क्लब ने अभी तक लीग का खिताब तो नहीं जीता है। 2009-10 में टेबल में वो 4th पोजीशन पे रहे थे जो कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2011-12 में वो 2nd डिवीजन में चले गए और उसके बाद अगले साल में वो 3rd टायर में चले गए। हालांकि 2014-15 के सीजन में उन्होंने 2nd टायर में वापसी की जिसके लिए उन्होंने 3rd टायर को जीता। 2019-20 में 4 साल बाद उन्होंने 1st डिवीजन में प्रमोशन प्राप्त किया और प्रेजेंट समय में वो लीग के टेबल में 4th पोजीशन पे हैं।